मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए मतदान हो गया, अब नतीजे का इंतजार है। एमपी में जहां भाजपा के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने संभाली थी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने दम भरा। ऐसे में जनता का साथ किसके साथ है, ये 3 दिसंबर को परिणाम आने पर पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव को लेकर नेताओं की भूमिका क्या रही, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही केंद्रीय नेता जमकर सक्रिय रहे। बीजेपी से पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे की भूमिका अव्वल नंबर पर रही। पीएम मोदी ने 15 जिलों में 14 रैली और एक रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जिलों में 17 रैली और 2 रोड शो किए। यूपी सीएम आदित्यनाथ ने 13 जिलों में 14 रैली और 2 रोड शो किए। राहुल गांधी ने किए 10 जिलों में 10 रैलियां और 2 रोड शो। प्रियंका गांधी ने 9 जिलों में 10 रैलियां और 1 रोड शो किया। एक महीने तक मध्य प्रदेश के आसमान पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, तो सड़कों पर वीआईपी गाड़ियां फर्राटा भरती रहीं। सीएम शिवराज ने भी प्रदेश में तकरीबन 180 चुनावी सभाओं का प्लान बनाया था, लेकिन अंतिम दिन तक उनकी 165 सभाएं हो सकी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में, प्रहलाद सिंह पटेल महाकौशल में, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय अपने अपने जिलों में ही सीमित रह गए। देखिए, राजनेता यदि जनता के बीच जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सतत जनसंवाद, जनसंपर्क और जनता के संपर्क में रहने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगभग 700 से अधिक सभाएं करी केंद्र और राज्य के मिला लें। अकेले मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता में 165 से अधिक सभाएं कर डाली शिवराज जी ने। कांग्रेस की कुल जमा सभाओं को जोड़ लें तो 250 के आसपास पहुंचती है पूरे लंबे समय की। तो निश्चित तौर पर यदि आप लगातार सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जो पब्लिक कनेक्ट है, जनसंपर्क है, वो सशक्त होता है, उसका लाभ चुनाव में मिलता है, जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो कमलनाथ ही चुनावी सभा में सबसे आगे दिखे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में नाराज नेताओं को मनाने में जुटे रहे। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो इनके अलावा सिर्फ जीतू पटवारी ने ही कुछ अन्य जगहों पर प्रचार किया, तो वहीं चुनाव न लड़ने के बावजूद भी कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी ज्यादा सक्रिय नजर आए। तमाम जो जनवर की आवाज को लेकर कांग्रेस के आला नेता उनके बीच में गए, उनसे अपील की कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने आपको केवल लूटने का काम किया है, अब इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन पहलुओं को लेकर जनता गई, जनता के बीच में कांग्रेस के नेता गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो केवल षड्यंत्र और मुखौटा लगाकर जनता के बीच में गए, जिन्होंने लाडली बहना का नाम दिया, उस बहना को 18 सालों में इनको कभी याद नहीं आई। जब अंतिम सांसें गिन रही भारतीय जनता पार्टी के प्राण उत्सर्जन कैसे किए जाए, उस दिशा में केवल ये झूठ का मुखौटा लगाकर बहनाओं के बीच में गए। 3 दिसंबर की मतगणना के बाद प्रचार की कमान संभालने वाले नेताओं में सहरा किसके सिर बंधेगा, यह भाजपा में कहना तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ ही लीड करेंगे ये तो तय नजर आ रहा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल।